इसका नया धंधा पॉपकॉर्न का दुकान। किसी को खाना है तो खा लो भाई। नहीं पता निकलने लगा सुबह अपने लेट जा रही है। ये जो टट्टी है आई होप इंडिया जीत जाए। चेक दिस भाई, ये चेक करो सुबह का वक्त और रात में कैसा दिख रहा था। पूरी लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है देख सकते हैं, और ऊपर वही है जो रात में ये लाइट पूरा दिख रहा था मस्त। तो ये सब सुबह सुबह बैठ गया सब और साउंड बजा रहे थे सब, अभी शांत करा कर वीडियो बना रहे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह सुबह मस्त रेडी होकर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और वैसे आप लोग सोच रहे होंगे लोग कि पहले सुबह सुबह जाता था वॉक पे, अब वो भी नहीं जा रहा है। आप लोग सोचते हो गए लोग एक्सरसाइज करने जाता था, अब वो भी नहीं जा रहा है एक्सरसाइज करने के लिए। अब ब्लॉग वहीं पे स्टार्ट करता था, अब क्या बात है घर पे स्टार्ट कर रहा है। भाई सोने में लेट हो जा रही है रात को यार। एक्चुअली वीडियो रात को एडिटिंग कर दे रहे हैं तो सुबह उठने में लेट हो जा रही है। 9:30 पे खुद उठ रहे हैं यार, इसलिए लेट हो जा रही है। और अभी जस्ट नहा कर रेडी हुए हैं, देख सकते हैं बाल अभी भीगा ही हुआ है। सुबह सुबह बैठ गए थे जाकर वहीं पे सरस्वती पूजा के पास। भाई और डेकोरेशन चल रही है, बस लाइट का व्यवस्था जो आपने अभी देखा है वो था, और उसके पीछे जो पंडाल ने थी और डेकोरेशन चली है भाई। अभी चली गई, अभी और ब्यूटीफुल लगेगी मस्त भाई वहीं पे। तो जिसने भाई कल का ब्लॉग मिस किया है जरूर जाकर देख लेना यार, आरती हुआ है, आँख खुला है तो आप लोगों को दिखेगा भाई। इस ब्लॉग को देखने के बाद कल वाला ब्लॉग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सबसे इजी कर देंगे आप सभी के लिए। तो अभी नाश्ता भी नहीं किया सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह पहले उठ जाते जल्दी तो ब्लॉग सूट हो जाता था, अब तो सुबह उठने में लेट हो जा रही है, इसलिए कभी से काम में व्यस्त है। तो जैसे ही खाली हुए हैं वैसे ही आ गए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। आज का मौसम भी इतना सुहाना हुआ, मजा आ रहा है भाई, देख सकते हैं ऊपर ओ भाई ना ही धूप हुआ तगड़ी वाली और मस्त हवा चल रही है, सिंपल ठंडी तो दूर हो चुकी है। और अभी जाएंगे थोड़ी देर में नाश्ता कर सरस्वती पंडाल में, क्योंकि वहाँ पर काम चल रही है। आज तो हो जानी चाहिए, आज आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाएंगे। आज का भी ब्लॉग मिस मत करिएगा, आज का ब्लॉग देखते रहिए पूरी एंड तक, बहुत ही मजा आएगी। वो भाई 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 भाई, भाई न्यू पत्ता निकलने लगा है वो भाई, भाई देख सकते हैं कि ये लेकर न्यू पत्ता निकलने लगा। एक तो निकल गए, ये सब तो खराब हो चुके हैं भाई यार। अब बंदर कुछ दिनों से नहीं आ रहे इसलिए वे अभी बचा है, वरना खत्म रहता वो भी। तो वैसे अभी चलते हैं नीचे नाश्ता करने के लिए और फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली नाश्ता कर लिए हैं और साथ ही साथ कल का थंबनेल एडिट नहीं किए थे वो भी कर लिए हैं। तो अभी चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं पंडाल में और दिखाते हैं। भाई पूरा सज गया है, डेकोरेशन हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है भाई। वहाँ पर अभी साउंड बज रही है, कॉपीराइट आने की चांस है, कल वाले पे तो कॉपीराइट आ चुकी है। और अभी चलते हैं वहाँ पर, सिनेमैटिक में चेक कर लीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा यहाँ का पंडाल। अच्छी लगी हो तो नाइस लिखिएगा, अच्छी तो लगनी चाहिए आप सभी को भी। और भाई यहाँ हर वक्त काम होती रहती है, ठक 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 ठक, लोहे का काम होता रहता है तो हर वक्त आवाज़ आती रहती है ठक ठक ठक। तो अभी चलते हैं वहीं पे और फिर मिलते हैं आपसे। जी तो गाइज अभी आए हुए थे घर से बाहर और शाम के 5:30 हो रहे हैं शायद, कितना आ रहे हैं शाम के 7:30 हो रहे हैं, और 5:30 बता रहे हैं क्योंकि भाई सोए हुए थे ना तो इसीलिए पता नहीं चला। जैसे सो कर उठे हैं तो टाइम भी नहीं देखे, बाहर आ गए हैं अब ब्लॉग शूट किए हैं। और दिन में इसलिए सो गए थे क्योंकि रात में देर से सोए थे, वैसे दिन में हमको जल्दी नींद नहीं लगती। आज सो गए हैं और कल भी सोए हुए थे थोड़ा, आज तो देर तक सोए थे।
और के पंडाल है और बाजार है सब सॉन्ग। बस इसका डर है कि कॉपी राइट नहीं चले जाए। बॉडी चेक करो यार ये, और इसका देखो इधर क्या लिखे था, ये जो टट्टी है भाई अपने बॉडी को पूरा खराब कर चुका है। अब बाहर भी निकलने में शर्म आती है, फिटनेस कर रहा है, फिटनेस करेगा तभी सही रहेगा। और देख रहे हैं ना उस पे लिखा भी है ये तो टट्टी है। तो भाई अभी गए हुए थे घर पे और मैच देखे हैं। मैच में न्यूजीलैंड 176 रन मार दिए 6 विकेट पे, भाई बहुत ज़्यादा मार दिए। 20 ओवर का मैच है, इंडिया तो कोशिश करेगी पूरी अच्छी तरीके से खेलने से तो जीत भी जाना चाहिए इंडिया को। उतनी बड़ी टारगेट नहीं है लेकिन काफ़ी है उतना। तभी जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, साथ में हैं आदित्य महाशय और पीयूष को देखेंगे, आएगा तो आएगा, अभी फिलहाल अभी आया नहीं है दुकान से। और कुछ दिनों में यहाँ पे हर जगह पड़ने वाली है क्या भंडारे भाई हर जगह, बस आदमी खाने पे ध्यान देगा। देख सकते हैं ना कितने पतले हो गए हैं, कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं है जहाँ हर जगह भंडारे पड़ेगी। वैसे सरस्वती पूजा का दिन चल रहा है और मज़ा आएगा हर जगह खाने में। हम लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं लोग, वैसे अभी फिलहाल चलते हैं और अभी निकले हैं लोग इसी तरफ। और इसको जा रहे थे पीर को बुलाने, तो रास्ते में जानते क्या हुआ, रास्ते में ना दो लोग आपस में फाइट कर रहा था, उधर ही हम लोग देखने लगे लोग। और कुछ ही देर में ये वहीं पर पहुँच गया पार्टी में, तो कहें लोग अरे भाई तुम्हारे ही के पास जा रहे थे लोग और तुम हम लोग के पास आ गए। और हमारा कल से स्कूल भी खुल रहा है तो कल से जाना पड़ेगा क्योंकि रोज़ घर पे सुन रहे हैं, तो वैसे कल से स्कूल भी जाएंगे। कल से मेरे ऊपर और बर्डन बढ़ जाएगी क्योंकि आज रात में ही अब वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा और थंबनेल भी रात में, वरना सुबह आएंगे तो स्कूल से तो तुरंत बनाना पड़ेगा थंबनेल, तो ये भी प्रॉब्लम ही है। वैसा भी जा रहे हैं लोग, शादी स्टार्ट है, आगे बारात जा रही है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर बारात निकला है, डांस कोई नहीं कर रहा है और मंदिर पे शायद और ये परछावन इसीलिए वहाँ पे डीजे पे कोई नहीं है। ये अभी यहाँ पर आए लोग ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए, ये देखते हैं हर वक्त में सबसे आगे कूदता है, लेने के लिए आगे चला गया है भाई, ये स्मार्ट है देख रहे हैं। और निकलवा रहा है ब्रेड, वही खाकर अभी यहाँ से जाया जाएगा, तब तक खाते हैं लो हम लोग। लो किसी को खाना है तो खा लो गाइस, इसके भरोसा गए थे लोग खाने के लिए पकौड़ी और उसके बाद खा लिए लो तो कह रहे भाग जाओ भाग जाओ क्योंकि पैसे ही नहीं थे उसके पास, कह रहे भाग जाओ भाग जाओ। अरे भाई भागा थोड़ी नहीं जाएगा, वैसे हम लोग हर वक्त जाते रहते हैं लोग तो उसको भी पता चल जाएगा भाग गया सब, कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। तो मेरे पास पैसा था तो दे दिए लो, और अभी जा रहे हैं लोग घर। और घर पे जाएंगे तो वही काम रहेगा, थोड़ा सा मैच देखेंगे क्योंकि इंडिया आज थोड़ी तगड़ी खेलने वाली है। इसके बाद ये डांस करेगा अपनी मम्मी के संग सरस्वती पूजा में। एंड गाइस हम पहले बहुत ज़्यादा ही शरीफ थे, केवल इन दोनों भोजपुरी स्टार के वजह से बिगड़ चुके हैं, अब पढ़ाई भी उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। दिखी रहा है कितना पढ़ते हैं देख लीजिए, इसको दिख ही रहा है कितना पढ़ते हैं। और अगर कल से स्कूल जाएंगे तो डेली करेंगे, रेगुलर बना लेंगे इसको भी, तो रोज जाया करेंगे। स्कूल जाऊंगा, ये भी कल से दुकान जाएगा अपना रेगुलर बना लेगा। मैं स्कूल जाऊंगा, झूठ बोल रहा है, स्कूल जाएंगे रेगुलर जाते हैं। देखो ना बार बार बाहर निकल रहा है, अरे भाई सड़क है भाई, पीस का नया धंधा पॉपकॉर्न का दुकान देख सकते हैं। चल चल भाई घर, चल भाई नई दुकान खुला है पॉपकॉर्न का, किसी का पॉपकॉर्न के दुकान पे जाकर करा है पॉपकॉर्न खाया जाए, जो उसको चलाता है वो है ही नहीं उस दुकान पे। और यहाँ पे क्या हुआ है, उद्घाटन है ना, देखिए तो अच्छे से बोलो, कम से कम वीडियो में सुनाई दे। मिठाई खाने चला जाए, मिठाई खाने इतना बड़ा राजा है ना भाई, यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यार यहाँ पे किसी का दुकान का ओपनिंग हुआ है और ये खाने का प्लान बना रहा है, इसके घर पे खाना नहीं बनाया, खाना पीने नहीं है उसमें, बस कॉफी है इसीलिए बस कॉफी पीने जा रहे हैं हम, तो भाई पीते रहते हैं लोग कॉफी। तो भाई अभी गए हुए थे घर पे और घर पे मैच देख रहे थे, तो इंडिया अभी 74 पे 3 विकेट गिर चुकी है भाई, बहुत ही 103 रन 10 ओवर में चाहिए, तो देखते हैं कैसा खेलते हैं सब, जितने की कम आशा है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या
क्रिच पे है, सब देखते हैं मैच कैसा जाता है। आई होप इंडिया जीत जाए। वैसे अभी बाहर आए थे, जा रहे हैं, यहाँ पर डांस हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस गए हुए थे वहाँ पर, तो डांस हो नहीं रहा था। वैसे अभी फिलहाल चले आए घर और घर जाकर नाश्ता करेंगे। अगर ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कहीं पर भी पसंद आया हो तो। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई भाई पीते ही महंगा वाला चीज़ पीते हैं सब। नहीं और गाइस अभी फिलहाल चलते हैं घर।